Started? Started. Check the recording and and my image is off. No. चेक करता हूँ ना कितने लोग माउस में चला नहीं आ रहा जने लगे इस पे लाके रखना बस यहाँ पे पता लग जाए करो मैं वो नहीं नजर आ रहा कहाँ से पता चलेगा इसके ऊपर रखने से रख के छोड़ देना माउस बार के ऊपर टाइम हो नहीं क्या 8:01 हो चुका है स्टूडेंट्स जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वालेकुम मैम जी Ayan, only you are present, I think. Yes, ma'am. Okay, just wait for 1 minute. Okay, in the meanwhile, revise the previous lecture. What we study on Friday? Just tell me the topics. Friday, ma'am. Nutrition plan. टेबल दिया था आपने ओके व्हाट इज न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन यस न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच वी गेन फूड व्हेन वी इन व्हिच वी गेन फूड एंड गेट एनर्जी फॉर आवर बॉडी प्रोसीजर्स मेटाबॉलिक प्रोसेसेस यस यस Okay, today we will study the next topic, the components of human food. अब ये तो हमने देखा कि nutrition जो है वो बहुत important है हमारी body के लिए और जितने भी हमारी routine life है उसको continue करने के लिए we need energy. Energy को fulfill करने के लिए nutrition जो है वो हम लेते हैं in the form of different nutrients. अब वो जो nutrients हैं वो कौन कौन होंगे Students, during lecture, I will take your attendance. Okay, when all the participants will come. Okay. Okay, ma'am. Okay. To fulfill the requirement of nutrition, we have to take different nutrients. And today we will read about all these nutrients. Can you see the screen? Can you see the slides? Yes, yes ma'am. Okay, students, I have taken the slides from book directly because this chapter is related to all the theoretical concepts. So we will try to read the maximum portion of these important points. Okay, components of human food may different nutrients aayenge. One by one, we will read all the nutrients aur unke jo roles hain wo dekhenge ki wo kya kya role play karte hain in our body. कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स दीज फोर न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच आर नोन एज ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मीन्स दे हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्डेज बेसिकली इनके अंदर कौन से बॉन्ड्स पाए जाएंगे इनके स्ट्रक्चर्स में कार्बन एंड हाइड्रोजन इसीलिए इनको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहा जाएगा बट द मिनरल्स एंड विटामिन्स आर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्योंकि इनका जो बेसिक स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स आपको नजर नहीं आएंगे ठीक है यू आर गेटिंग माई पॉइंट Okay, what is the difference in organic nutrients and inorganic nutrients? Can anybody tell? Organic. 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 Organ
ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के अंदर, मगर इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता, वो कार्बन हाइड्रोजन के अंदर नहीं होते, जैसा कि विटामिन। जी बेटा आप ऐसा है कि आप वन बाय वन आंसर करेंगे तो मुझे क्लियर होगा। सेकेंडली थोड़ा सा नेट आई थिंक किसी स्टूडेंट का स्लो है, तो आपकी वॉइस जो है ना बहुत स्लोली मेरे पास आ रही है। ओके, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का तो डिफरेंस क्लियर हो गया कि दिस इज जस्ट अबाउट द बॉन्डेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द फर्स्ट न्यूट्रिएंट, द कार्बोहाइड्रेट्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। और ये जो है हमारा डेली जो हम फूड लेते हैं उसका एक मेजर पोर्शन है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, आप देख सकते हो कि 2/3 ऑफ द टोटल कैलोरीज जो हमें रिक्वायर्ड होती है ना बॉडी में, उसका 2/3 में से 2 पार्ट जो है कैलोरीज का वो हम ऑब्टेन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू। ठीक है, और कैलोरीज क्या है? कैलोरीज एक्चुअली बेसिकली इज एन एनर्जी यूनिट, एनर्जी का यूनिट है। और हम अपनी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर होती है ना वो हम कैलोरीज के थ्रू गेन करते हैं। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा ना कि इतनी कैलोरीज का फूड है, हाई कैलोरीज फूड है, लो कैलोरीज फूड है, अक्सर ये हम ये टर्म यूज करते हैं अपनी फूड में। यस ताहा, आर यू देयर? यस मैम, वो इधर ही है। जी जी ताहा, व्हाट इज अ कैलोरी? कैलोरीज अक्सर हम अपनी फूड जब डाइट ले रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं ना कि हाई कैलोरी फूड है या लो कैलोरी फूड है, तो व्हाट इज कैलोरी? कैलोरी की जो है डेफिनेशन वो क्या है कि इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। या आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे आई थिंक लास्ट वाले चैप्टर में, तो कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और ये बॉडी टेम्परेचर को रेज करने के लिए, हाई करने के लिए जो कैलोरीज हैं वो यूज हो रही होती हैं। ठीक है, और हमें अपनी बॉडी को जितना भी मेटाबॉलिज्म है वो एग्जीक्यूट करवाने के लिए वी नीड एनर्जी। तो वो एनर्जी हम किस फॉर्म में ऑब्टेन कर रहे होते हैं? कैलोरीज की फॉर्म में। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? यस मैम। ओके ओके, फर्स्टली आई विल टेक द अटेंडेंस फर्स्ट, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन भी मैंने मिस कर दी थी। ओके, फ्राइडे की अटेंडेंस भी बोल दीजिए। आई थिंक यू 3 ऑफ यू आर प्रेजेंट ऑन फ्राइडे। मैम जैन अली और अब्दुल्ला भी थे। वो कब थे? उनकी तो उनकी बायो में तो नहीं थे वो। नहीं नहीं, बायो में नहीं थे बेटा। चले आप अटेंडेंस दीजिए, क्योंकि मुझे तो आपके साथ हम ही नहीं थे, हम ही थे मैं और साथ। जी जी, मुझे आपके आई कैन चेक फ्रॉम द पार्टिसिपेंट लिस्ट, ओनली 3 पार्टिसिपेंट्स वर देयर, मतलब साथ ताहा एंड आयाम। ओके, फ्राइडे की अटेंडेंस तो हो गई, टुडेस अटेंडेंस ताहा? यस मैम, प्रेजेंट। ओके, आमिना इज एब्सेंट, आयशा नो, हनीन आमिर एब्सेंट, साद बिन आमिर प्रेजेंट, आयान अहमद प्रेजेंट। ओके, चलिए जी मूव ऑन टू द टॉपिक। अच्छा जी, ताहा कैन यू रीड द कार्बोहाइड्रेट्स पोर्शन? मैम आई रीड करूं? साथ यू विल रीड, यू विल रीड द नेक्स्ट। कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनिमल्स, अबाउट हाफ टू 2/3 of the total calories every animal consumes daily from carbohydrates are from carbohydrates. Glucose is most often used carbohydrate for energy. Other useful carbohydrates are maltose, lactose, sucrose, and starch. Carbohydrates contain 4 kilocalories per gram. Humans get carbohydrates from foods like bread, pasta, beans, potatoes, bran, rice, and cereals. जी स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी ब्रीफ अकाउंट, बहुत ही मुख्तसर तरीके से उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको डिटेल बता दी है कि कार्बोहाइड्रेट्स एक तो ये कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, और इसके कुछ एग्जांपल्स दी हैं इन्होंने। ग्लूकोज, आप अपनी रूटीन में जो शुगर्स लेते हैं, जैसे कि एक फर्स्टली जो सबसे बेसिक सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का वो आ गया ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, ये आई थिंक आपको पता भी है, हम पहले भी रीड कर चुके हैं, C6H12O6। वेरी गुड, दिस इज द सिंपल शुगर। ठीक है, दिस इज सिंपल शुगर फॉर्मूला।
और इसके और आपको ये भी पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसकी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है मोनोसेकेराइड्स हैं, डाइसेकेराइड्स हैं एंड पॉलीसेकेराइड्स हैं, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है ना वो कौन सी कैटेगरी में आएगी, मोनोसेकेराइड्स में, सिंपल शुगर्स, मोनो मीन्स वन, तो इसके अंदर ग्लू एक मॉलिक्यूल है शुगर का, इसलिए इसको मोनोसेकेराइड बोला जा रहा है, ठीक है। तो ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर। इसके अलावा जो अदर कुछ एग्जांपल्स और दिए उन्होंने, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, जो हम डेली चीनी यूज करते हैं, व्हाइट कलर में आप यूज करते हो चीनी, शुगर, ठीक है। ये जो थ्री टाइप्स हैं, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज, दीज आर द डाइसेकेराइड्स, ठीक है। डाइसेकेराइड्स मीन्स इनमें शुगर के दो दो मॉलिक्यूल आ जाएंगे, अब टू मॉलिक्यूल्स शुगर के मिलकर कार्बोहाइड्रेट जो बन रहा है वो है माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज, एंड द थर्ड वन इज स्टार्च। स्टार्च इज पॉलीसेकेराइड, ये पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में आ जाएगा, एंड इट हैज लॉन्ग चेन ऑफ मेनी शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक हो गया। मतलब अगर हम स्टार्च का अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊं ना, जो स्ट्रक्चरल एक बेसिक फॉर्मूला होता है, तो स्टार्च का जो फॉर्मूला होगा वो होगा C6H10O5 और ब्रैकेट के बाहर लगा होगा N, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसका मतलब है इसकी एक लॉन्ग चेन होगी मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो आपकी बुक में खैर इतनी डिटेल तो नहीं है, जस्ट आपने ये याद रखना है कि दीज आर द ग्लूकोज इज अ मोनोसेकेराइड, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज आर एग्जांपल्स ऑफ डाइसेकेराइड्स एंड स्टार्च इज पॉलीसेकेराइड, ठीक हो गया। और स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, और ये किस में डिजोल्व होती है, फैट्स में, जबकि ये जो बाकी एग्जांपल्स थी ये वाटर में डिजोल्व हो जाती है, जैसे चीनी पानी में डिजोल्व हो जाती है ना, उसी तरह से बाकी लैक्टोज, माल्टोज एंड ग्लूकोज इजीली डिजोल्व इन वाटर। ओके, आई थिंक आयशा इज देयर, आयशा इज यूर हियर, यस मैम, ओके वेरी गुड, ओके आई विल मार्क योर अटेंडेंस लेटर। Yes, Taha, okay, you have done all the carbohydrates covers contain 4 kilocalories per gram. अब आप देखें कि 1 gram अगर हम food लेते हैं ना, तो उसके अंदर 4 kilocalories energy आप obtain कर सकते हो, ठीक है। Humans get carbohydrates from the food like, अब examples आ गई कि sources क्या हैं, bread, pastas, ये जो आप बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, noodles and pastas, beans, ये बीन्स बीन्स ये जो चने वगैरह होते हैं उनमें, पोटैटोस, ब्रान, ब्रान वीट को बोले आप, या जैसे गंदम की जितनी भी टाइप्स आ जाए, राइस एंड सीरियल्स, ठीक हो गया। अगर आप ये फूड लेंगे तो यू कैन गेट अ गुड क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है जी। लिपिड्स, साज यू रीड लिपिड्स नेक्स्ट। द लिपिड्स प्रेजेंट इन फूड आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड bonded to glycerol. The fatty acids of lipid may be saturated or unsaturated. Okay, stop here, Saad. Yes, ma'am. Lipids also composed of carbon, hydrogen and oxygen. लेकिन oxygen की यहाँ पर जरा less quantity होती है। इसके अलावा जो लिपिड्स हैं, बेसिकली लिपिड्स कौन सी कैटेगरी है फूड की, जिसमें हम फैट्स एंड ऑयल्स की बात करेंगे। आप जितना भी घी, ऑयल, बटर ये चीज़ें यूज करते हैं ना, उसमें फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं, और वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेंगे, लिपिड्स में। और बेसिकली दे आर कंपोज ऑफ फैटी एसिड्स बॉन्डेड टू ग्लिसरॉल। अब फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, इनके जो है इनके अंदर जो मौजूद हैं एटम्स वो कौन कौन से होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा फैटी एसिड में, बेसिकली आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज आपको नहीं बताया, ऊपर मैंने छोटा सा लिख दिया था, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट योर लेवल। तो इसमें आपके कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, प्लस साथ अल्काइल ग्रुप आएगा, और जो ग्लिसरॉल है वो भी इसी तरह से है, 3 मॉलिक्यूल्स इसमें आ जाएंगे, अल्कोहल के और कार्बन एंड हाइड्रोजन के एटम्स, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा लिपिड्स। Fatty acids of lipids may be saturated or unsaturated.
सैचुरेटेड का मतलब होता है इफ ऑल द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर फुली सेटिस्फाइड सिंगल सिंगल बॉन्ड, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन टू कार्बन मैंने क्या ड्रॉ किया हुआ है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है. जी स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी? यस मैम. और अनसैचुरेटेड का मतलब होगा अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड ना हो बल्कि डबल या ट्रिपल बॉन्डेज हो, ठीक है. तो इस वजह से इसको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिवाइड कर दिया हमने लिपिड्स को. जी रीड करें. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैव सम ऑफ देयर कार्बन एटम्स डबल बॉन्डेड इन अ प्लेस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम. जनरली द लिपिड्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड आर सॉलिड एट रूम टेंपरेचर. The lipids containing unsaturated fatty acids are liquid at room temperature. For example, butter contains nearly 70% saturated and 30% unsaturated fatty acids. On the other hand, sunflower oil contains 75% unsaturated fatty acid. Lipids are used to form membranes, the sheaths surrounding neurons and certain hormones. Lipids are also extremely useful energy source. 1 gram of lipid contains 0.9 kilocalories of energy. Important sources of lipids include milk, butter, cheese, beef, eggs, mutton, fish, mustard seeds, coconut, and dry fruits, etc. Okay. जी students, यहाँ पर अब आपके आगे का कि जो saturated fatty acids होते हैं वो fats की form में होंगे, sorry, solid की form में होंगे, जैसे घी होता है, घी solid होता है ना, जबकि जो oil है वो liquid form में, oil है वो liquid form में मिलेगा. तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड्स व्हाइल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स. जितने भी ऑयल्स होते हैं, कुकिंग ऑयल्स होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होंगे और वो अनसैचुरेटेड होंगे. अब यहाँ पर लिपिड्स के कुछ यूजेज हैं कि लिपिड हमारी बॉडी में क्या परफॉर्म कर रहा है फंक्शन. तो इट यूज टू फॉर्म मेम्ब्रेन्स. मेम्ब्रेन्स कौन सी मेम्ब्रेन्स आ जाएंगी हमारी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स. यस, आपने लिपिड फ्लूइड पढ़ा था ना, लिपिड का स्ट्रक्चर चैप्टर 4 में. तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमने देखा था कि वहां लिपिड्स के भी सेल्स मौजूद होते हैं मेम्ब्रेन्स में. इसके अलावा शीथ सराउंडिंग न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स आर द सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम की जो मेम्ब्रेन्स हैं उसमें, शीथ मतलब आउटर मेम्ब्रेन, उसमें भी ये यूज होगा लिपिड्स. इसके अलावा बहुत से केमिकल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हैं, हॉर्मोन्स, उनमें इस्तेमाल होता है लिपिड्स. और इसके अलावा लिपिड्स आर अ हाई सोर्स ऑफ एनर्जी. आप देख सकते हो कंपैरिजन करने अगर कार्बोहाइड्रेट से, तो वहां पर 4 kilocalories था ना, यहाँ पर 9 है, यानी कि मोर देन डबल, डबल से ज्यादा एनर्जी मिलती है पर ग्राम. इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लिपिड्स, आप अगर मिल्क लेते हो, बटर, चीज, एग्स, मटन, गोश्त खाएं, फिश खाएं, कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, दे आर वेरी हाई सोर्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है. अगर आप ये डाइट लेते हैं तो इसमें आपको लिपिड्स मिल जाता है. लेकिन वही बात आ गई, यू शुड हैव अ बैलेंस्ड डाइट. आपको ऐसा नहीं करना कि बहुत ज्यादा मिकदार में आपने फैट्स एंड ऑयल्स लेने हैं. अगर ज्यादा ले लें तो क्या होता है, फैट्स एंड ऑयल्स अगर ज्यादा हम यूज करें अपनी डाइट में. मैं तो चर्बी ज्यादा हो जाती है. बिल्कुल, वेरी गुड. आपको ओबेसिटी हो सकती है, मोटापा हो जाता है अगर हम जरूरत से ज्यादा फैट्स एंड ऑयल्स लें. तो एक लिमिटेड जो है, मतलब आप ये वाली जो डाइट है वो लोगे. जी हु इज इन द क्लास नेक्स्ट? मुझे लगा था कोई और पार्टिसिपेंट भी है. मैंने तो वैसे किसी को म्यूट नहीं किया हुआ. ओके, वन स्टूडेंट इज ऑल्सो देयर, मिनाहिल आमिर. मिस मैं हूँ हनीना आमिर, मैं अपने सिस के अकाउंट से बात कर रही हूँ. ओके ओके okay, I will mark your attendance later. Aisha and Minahir, both of you. Thank you. Okay. Move on to the next. Karna. I know. जी जी, कैसे हैं आप भाई, बच्चों, girls कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सब. ठीक हो? बहुत अरसा हो गया, आप सबसे बात ही नहीं हो सकी. जी मैम. And I
and I really miss all of you, all my class. Ma'am, we too are missing you. Okay. Okay, Ayan, read the next portion, proteins. Proteins ka already hume idea hai ki protein is very important part of nutrition. ठीक है हमारी बॉडी में जितने भी ये मतलब हमारी ग्रोथ हो रही है इट डिपेंड्स ऑन प्रोटीन क्योंकि प्रोटीन्स आर यू हेल्पफुल फॉर मसल ग्रोथ आपके बालों की ग्रोथ स्किन की ग्रोथ नेल्स मसल्स इन सब के लिए हमें प्रोटीन रिक्वायर्ड है ठीक है ओके रीड अयान प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड्स फंक्शंस दे आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ cytoplasm, membranes, organelles, muscles, ligaments, tendons. So we use proteins for growth. Many proteins play a role as enzymes, energy source. They can also be used for gaining energy. They can be converted into carbohydrates. Energy content. 1 gram of proteins contain 4 kilocalories of energy. Sources. Dietary sources of protein include meat, eggs, grains, legumes, dairy legumes. Products, legumes, dairy products such as milk and cheese. Yes. अच्छा आपके पास actually book है तो आप जो है वो headings के through कर रहे हैं it's good students अगर इसको heading wise कर लें तो बहुत अच्छा हो जाता है learning में भी और presentation में भी. Okay. Proteins is a Greek word. और ये कहां से डिराइव हुआ है प्रोटियस से प्रोटियस मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हो तो प्रोटीन्स हमने इज अ कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है उसमें आप देख सकते हो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और इसके अंदर एक और एटम भी आ गया नाइट्रोजन ठीक है क्योंकि अमाइनो एसिड्स जो है अमाइनो मींस अमाइनो का वर्ड जब भी आ जाए आपको पता होना चाहिए इट रिलेट्स टू नाइट्रोजन एटम ठीक है तो जो प्रोटीन्स हैं दीज आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड दे आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन्स एंड अदर ऑर्गेनेल्स बहुत से जो हमारे सेल के ऑर्गेनेल्स हैं उनमें ये जरूर पाया जाएगा दे आल्सो मेजर कंपोनेंट ऑफ मसल्स ligaments and tendons ye jo ligaments and tendons hain muscles ko to hame pata hai ki hamari body ke upar jitna bhi gosht hai haddiyon ke bahar red color mein this is muscles lekin ye jo ligaments and tendons hain these are special fibers attached with the bones for contraction and relaxation aur jab hum move karte hain to tendon jo hain aur ligaments hain ye haddiyon ko aapas mein kya nahi karne deta touch nahi karne deta touch nahi hongi hamari bones to tabhi safe rahengi अगर हम मूव करें अपने जैसे आप अपनी आर्म को मूव करवाते हो और अगर आवाजें आए हड्डियों की आपस में टकराने की तो क्या होगा एक तो बहुत पेनफुल होगा और सेकेंडली हमारी बोन्स जो है वो फ्रैक्चर कर जाएंगे लेकिन ये जो लिगामेंट्स एंड टेंडन्स हैं दे सेव और बोन्स हमारी हड्डियों को महफूज करते हैं इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवर किया हुआ उन्होंने हड्डियों के दरमियान ठीक है ताकि बोन्स जो है वो एक दूसरे के साथ हिट ना करें टकराए नहीं और डैमेज ना हो Is students getting my point? Yes. Who will answer this? Haneen, you can give answer of the what are ligaments and tendons? Miss, you have said that ligaments and tendons are joined with your bones because joined bones. वो bones joints पर होते हैं जो वो आप को मतलब टच नहीं होने देनी जॉइंट्स बोन्स के जॉइंट्स एक बोन दूसरी बोन के साथ डायरेक्ट टच नहीं होगी बल्कि ये उसके दरमियान एक यस प्रोटेक्टिव एक सॉफ्ट सा टिश्यू है दीज आर द सॉफ्ट टिश्यूज बिटवीन द बोन्स ऑफ जॉइंट्स ताकि जब आप अपनी बाजू को जैसे हम बाजू को ऊपर नीचे मूव करते हैं तो ये जो हमारी नी बोन है तो नी बोन आपस में टकराए नहीं क्योंकि आपको पता है ना एक बोन हमारे रेडियस में है और एक अल्ला में है मतलब एक आपकी कोनी है और एक ऊपर वाला शोल्डर के साथ लंबी सी बोन है तो बोन टू बोन जो हम मूव करते हैं दरमियान में टिश्यूज हैं जो कि बॉडीज को हेल्प करते हैं मूव करने ओके मूव ऑन अच्छा जी रीडिंग तो हो चुकी है सॉरी सो वी यूज प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ यानी कि बेसिक फंक्शन प्रोटीन्स का क्या आ गया ग्रोथ Many proteins play a role in as enzymes. आप chapter 6 में पढ़ चुके हैं. Enzymes are basically made of proteins, amino acids.
एसिड्स यस तो वो प्रोटीन्स ही हो गए प्रोटीन्स कैन आल्सो यूज फॉर गेनिंग एनर्जी 1 gram ऑफ प्रोटीन जैसे समझ लें कार्बोहाइड्रेट जितना एनर्जी आपको दे रहा है ठीक है 1 gram ऑफ प्रोटीन्स कंटेन्स 4 kilocalories ऑफ एनर्जी और मैंने आपको बता दिया कैलोरीज क्या है दिस इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी का 1 Celsius टेम्परेचर अगर रेज करना होगा ना तो उसके लिए आपको 1 calorie इज रिक्वायर्ड ठीक है डाइट्री सोर्स अब आप कहाँ कहाँ से ले सकते हो इसे अपनी फूड में मिल्क चीज लेग्यूम्स लेग्यूम्स क्या होते हैं ये जैसे मटर होते हैं आपके इसके अलावा लोबिया होता है लेग्यूम्स उसको बोलते हैं ठीक है मिल्क में होता है अंडों में होता है तो इसीलिए बच्चों को कहा जाता है जो ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं किड्स होते हैं उन्हें कहते हैं कि दूध और अंडे और चीज जरूर खाएं क्योंकि इसमें प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन से आपकी ग्रोथ होती है हाइट बढ़ती है आपके बाल अच्छे हो जाते हैं स्किन अच्छी हो जाती है अच्छा इस ऐसा है कि समटाइम्स अगर हम मतलब बैलेंस डाइट ला लें लेट्स सपोज हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते कार्ब्स नहीं लेते अपनी फूड में तो हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है और एनर्जी की कमी हो रही होती है उस एनर्जी को फिर लेट्स सपोज अगर हम फैट्स एंड कार्ब्स नहीं लेते तो फिर एनर्जी लेने के लिए हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो फिर सामने आ जाते हैं एंड प्रोटीन्स गिव्स अस एनर्जी लेकिन उसका नुकसान क्या होगा क्योंकि प्रोटीन्स हमारे कहाँ पे स्टोर हुए हैं बेसिकली हमारे मसल्स में स्टोर हुए हैं प्रोटीन्स तो प्रोटीन्स अगर हम यूज करना शुरू कर देंगे एज एन एनर्जी तो फिर हमारी बॉडी जो है वो स्लिम होना शुरू हो जाएगी और हम कमजोर होना शुरू हो जाएंगे ठीक है ओके जी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड मिनरल्स हु विल रीड मिनरल्स आयशा यू मस्ट रीड दिस पैराग्राफ मिनरल्स आर बेसिकली सॉल्ट्स ठीक है अब इसमें आप देखोगे कि नो कार्बन नो हाइड्रोजन नो ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड ठीक है अब ये दूसरे एटम्स आ जाएंगे जैसे कि सोडियम हो गया क्लोरीन कैल्शियम फॉस्फोरस आयरन है ना इसीलिए इनको हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे ऑर्गेनिक में क्या इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में यस यस सर इनऑर्गेनिक यस इनऑर्गेनिक बताइए ये कौन सी कैटेगरी आ गई मिनरल्स की कैटेगरी कौन सी है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक एटम्स को देख के बताइए इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक व्हाई साद व्हाई दिस इज इनऑर्गेनिक बिकॉज़ इट डज नॉट इन्वॉल्व हाइड्रोजन एंड कार्बन बॉन्डिंग वेरी गुड इट डज नॉट इन्वॉल्व हाइड्रोजन एंड कार्बन बॉन्डिंग ओके आयशा रीड द पैराग्राफ मिनरल्स Aisha, are you there? Achha, Aisha, I think mute hai Aisha ka mic. Okay, Haneen, you read. Ma'am, minerals are inorganic elements that originate in the earth and cannot be made in body. Ab aap dekho ki ye bhi ek difference. Ye bhi ek difference aa gaya ke ye kahan pe mil rahe hain hame earth se nikalenge hum isse zameen se milenge aur ye body mein direct produce नहीं होंगे जी दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल्स इन वेरियस बॉडी फंक्शंस एंड आर नेसेसरी टू मेंटेन हेल्थ मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन ह्यूमन डाइट कम डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड वाटर और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनिमल फूड्स मिनरल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू मेजर एंड ट्रेस मिनरल्स जी इसकी अब दो कैटेगरीज आ जाएंगी एक आ जाएगी मेजर मिनरल्स और दूसरे ट्रेस मिनरल्स जो कि कम अमाउंट में चाहिए जी जी मेजर मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन द एरिया इन द सेम ऑफ इन द एरिया ऑफ 100 mg/mL और मोर पर डे व्हाइल ट्रेस मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन अमाउंट ऑफ लेस देन 100 mg/day पर डे रोल्स ऑफ मेजर एंड माइनर मिनरल्स in is given in the table ma'am in human body is given in the in human body okay ji minerals ki ab aap hame clearance ho gayi ye ki minerals are not the organic nutrition these are inorganic aur iske aage se lekin phir bhi hame iski requirement hai for the execution of important functions in the body to maintain health theek hai abhi niche jo chart hai usme aap dekhoge ki kahan kahan iski hame zarurat padti hai in minerals ki
इसकी टू यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बना लें. दिस इज इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस इन मेजर एनिमल्स एंड ट्रेस एनिमल्स. ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप बाद अपनी बुक पे नोट कर लीजिएगा. एंड क्लास 9th आपको मैं इंशाल्लाह जो असाइनमेंट्स अभी मिलेंगी ना वर्कशीट्स, उनमें आपके तमाम वो क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं जिन जो कि हमने अपडेट पेपर्स से लिए गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल. तो शॉर्ट क्वेश्चंस मोस्टली वही होंगे जो कि अपडेट पेपर्स हैं, ताकि आप उन्हीं को मोस्टली उन्हीं पे फोकस करें जो कि एग्जाम्स में मोस्टली आते हैं. अच्छा जी, मेजर एलिमेंट्स जो है, मेजर मिनरल्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? 100 मिलीग्राम मोर और मोर पर डे, मतलब एक दिन में इससे ज्यादा या 100 तक कम से कम इसकी अमाउंट हमारी बॉडी में जरूर होनी चाहिए. जबकि जो ट्रेस मिनरल्स हैं वो 100 से नीचे. ठीक है, ट्रेस का मतलब ही होता है कि कम अमाउंट. ट्रेस मतलब थोड़े से निशान हो जैसे, तो कम अमाउंट मीन्स ट्रेस एनिमल मिनरल्स. ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट. यहाँ पर अब आपके आगे कुछ जैसे सोडियम है. ताहा, सोडियम का फंक्शन क्या है, रोल इन बॉडी, क्या करता है सोडियम हमारी बॉडी में? फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, हेल्प्स इन अब्सॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स. यस, फ्लूइड बैलेंस करता है और कैल्शियम और पोटेशियम जो है और सोडियम, बेसिकली ये जो तीनों है ये बॉडी की मेम्ब्रेन से अंदर और बाहर और स्पेशली ऑस्मोसिस के प्रोसीजर में जो है ना ये काम कर रहे होते हैं. और मेम्ब्रेन्स, सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर बाहर बड़ी तेजी से मूव करते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए. जी, पोटेशियम क्या, और ये सोडियम आप कहाँ से लेते हो रूटीन में? सोडियम क्लोराइड क्या नाम, क्या चीज है, सॉल्ट है? सॉल्ट, यस. तो डेली हम कितना सॉल्ट ले रहे होते हैं, तो उसके थ्रू हम सोडियम अपनी बॉडी में एड कर रहे होते हैं. पोटेशियम क्या काम करेगा, पोटेशियम क्या काम करेगा, फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, एक्ट एज कोफैक्टर फॉर एंजाइम्स. एंजाइम्स के चैप्टर में हमने प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स और कोफैक्टर्स का एक टॉपिक पढ़ा था. ठीक है, दीज आर द हेल्पिंग एजेंट्स ऑफ एंजाइम्स. और ये बनाना अगर आप खाते हो केले, तो उसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा मिलेगा आपको. ठीक है, क्लोराइड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जी, ये मेजर न्यूट्रिएंट्स की बात, मेजर मिनरल्स है ना, मतलब इनकी आपकी बॉडी को मोर देन 100 मिलीग्राम्स रिक्वायर है पर डे. तो मोर देन 100 मिलीग्राम पूरे करने के लिए आप बनाना खाएं. नमक तो हम डेली खा ही रहे होते हैं अपनी फूड में. क्लोराइड क्या काम कर रहा है, क्लोराइड फ्लूइड बैलेंस, ये फ्लूइड बैलेंस तीनों में ही आ गया. कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑब्वियसली आप HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोरीन उसमें आ जाता है. और HCl कहाँ पाया जाता है ये भी आपको पता है, हमारे स्टमक में. अली टाइम शॉर्ट हो रहा है, रनिंग आउट ऑफ टाइम. ओके जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी कहाँ पे पाया जाता है, स्टमक में. जब हम फूड खाते हैं डाइजेशन होती है तो जो स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो भी रिलीज होता है फॉर द डिसइंफेक्टेंट्स ऑफ फूड, जर्म्स को किल करने के लिए इस्तेमाल होता है. कैल्शियम आपको पता है हमारे मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ और ब्लड क्लॉटिंग, खून को जमाने में इस्तेमाल होता है. जैसे अगर कभी चोट लग जाए तो थोड़ी देर बाद खून खुद ब खुद हो जाता है, जम जाता है. तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ. ठीक है जी, दीज आर द मेजर मिनरल्स. माइनर, ताहा प्लीज रीड द माइनर मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स के बारे में रीड करें. आयरन क्या काम करता है? आयरन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज. जिंक, एड्स इंसुलिन एक्शन, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. स्टॉप, लेट मी एक्सप्लेन हियर. आयरन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज. आयरन जो है आपको पता है कि आयरन इज प्रेजेंट इन द हीम ग्रुप, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है. हीमोग्लोबिन आपने नाम सुना ही होगा, हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो गया, अप हो गया, तो वो उसके अंदर आयरन मौजूद है. और आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन करता है. अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लड में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं होगी. अगर ब्लड में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं होगी तो आपको पता है कि कितने ज्यादा मेजर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में. एनर्जी नहीं मिलती बॉडी को, आपका ब्लड प्रेशर, और आपको लो फील होता है ब्लड प्रेशर कि हमें बड़ी सुस्ती हो रही है, नींद आ रही है. तो उसकी वजह क्या होती है कि ऑक्सीजन जो है वो बॉडी को कंप्लीट नहीं मिल रही होती ड्यू टू लैक ऑफ आयरन. जिंक क्या कर रहा है,
adds insulin action. Insulin हमारी sugar को digest करने में it's very important element है, ठीक है. Insulin एक hormone है जो कि हमारी body में sugar को digest करता है. दिन में हम जितनी भी चीनी खाते हैं, अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा sugar लेते हैं, बड़े भी, तो अगर sugar digest ना हो तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? Diabetes. Mostly ये बड़ी common disease है. तो अगर इंसुलिन को डाइजेस्ट करना है तो जिंक जो है वो हेल्पफुल है उसके लिए. हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. इस प्रोसीजर में भी जिंक. जी ताहा, रीड नेक्स्ट. कॉपर. कॉपर एक्ट्स एज एंजाइम कोफैक्टर. क्रोनियम हेल्प्स इन इंसुलिन एक्शन. फ्लोराइड स्टेबलाइजेस बोन मिनरल एंड हार्डेंस टूथ एनामल. आयोडीन एसेंशियल फॉर नॉर्मल थायराइड फंक्शन. जी, क्रोमियम का भी वही सेम फंक्शन आ गया. कॉपर एज ए को फैक्टर. फ्लोराइड जो है वो क्या काम कर रहा है? एज ए बोन मिनरल एंड हार्डन्स. बोन मिनरल मीन्स हमारा जो बोन का जो स्ट्रक्चर है उसमें ये इन्वॉल्व है, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो टूथ हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे. और ऊपर ये एनामल क्या होता है? टूथ एनामल होता है हमारी टीथ के ऊपर जो आपको चमकदार एक चमकते हैं ना टीथ आपके, मतलब अगर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो तो ये दे शाइन. तो जो एनामल है इट्स अ कवरिंग ऑन द टीथ, और ये हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करते हैं. आउटर जो भी हम फूड खाते हैं तो जर्म्स लग जाते हैं, तो अनामल जो है वो प्रोटेक्ट करता है. अगर हम टीथ सही साफ नहीं करेंगे तो अनामल आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू द एक्स्ट्रा फूड पार्टिकल्स. हमारे दांत चमकते ही अनामल की वजह से, ठीक है. अगर आपने अपने दांतों का चमकाना है, मतलब कि आपको हो के हम मुस्कुराएं स्माइल करें तो हमारे दांत जो है वो शाइन करें, तो टेक केयर ऑफ योर अनामल. दांत अच्छे से साफ रखें. आयोडीन हमारी थायराइड फंक्शन. थायराइड आपकी गर्दन में पाए जाते हैं बेटा. दीज आर द ग्लैंड्स. ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारी नेक में मौजूद हैं, और आयोडीन जो है वो इसके जो है थायराइड ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं. ये भी हार्मोन्स हैं बेसिकली थायराइड. अब आप बार बार पूछते ना हार्मोन्स क्या है. हार्मोन्स देखें जगह जगह आपको मतलब बॉडी में मिलेंगे, गर्दन में मौजूद हैं. अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो थायराइड फंक्शन अनकंट्रोल्ड होगा, और उससे जो बीमारी होती है वो होती है ग्वाइटर. ग्वाइटर से गर्दन जो है वो मोटी हो जाती है, बढ़ जाती है साइज में. किसी ने कभी देखा है ऐसा केस कोई फैमिली में या कहीं और? नो मैम. नो मैम. अच्छा. यस, ये डेडली डिजीज है. डेडली तो नहीं है. डेडली तब होती है अगर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट ना करवाया जाए. मैम आयोडीन 131 से हमने पढ़ा था इसका वो हो सकता है ट्रीटमेंट. जी बिल्कुल, इसका ट्रीटमेंट होता है, और इट्स अ लॉन्ग ट्रीटमेंट. और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल क्योर हो जाए, बंदे को ये लगा ही रहता है. मतलब कभी इसकी जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा हो जाती है, कभी ये स्लो डाउन हो जाती है डिपेंडिंग ऑन मेडिसिन. लेकिन ये डेडली नहीं कह सकते. समझे प्रॉब्लम ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, और भी आपके जो बॉडी के डिफरेंट पेनफुल है, पेन्स होती हैं, इवन डाइजेशन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं ड्यू टू थायराइड ग्लैंड्स. तो इसके बस इस तरह के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं बॉडी में. अच्छा जी स्टूडेंट्स, आगे रीड कर ले थोड़ा सा, या टाइम क्या हो गया? मैम टाइम ओवर हो गया. ओके ओके, काम ले लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, बेटा होमवर्क ले लीजिए. होमवर्क क्या है आज का? होमवर्क बल्कि मैंने पूछना भी था, देखो मुझे याद आ गया होमवर्क से. आयान ने होमवर्क किया एंड आयशा ने. वेरी गुड बोथ ऑफ यू. एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द क्लास? साथ आपने करना भूल गया हूं. वेरी गुड. आपको पता है कि होमवर्क अगर नहीं टाइम पे सबमिट होगा, हमारे पास होमवर्क की भी एक शीट रेडी हो रही है, तो उस पर ग्रेडिंग हो रही है आपकी, और वो ग्रेडिंग जो है वो आफ्टर अ वीक, हर वीक हमने सबमिट करवानी है ऑफिस में. मैं अभी सेंड कर देता. जी अब ये याद रखें कि आपकी तो अटेंडेंस मार्क हो रही है डेली, और आपके जो होमवर्क की सबमिशन की रिपोर्ट है वो भी जा रही है मैम तक, प्रिंसिपल तक. अब आप देखें कि और इतना ज्यादा ज्यादा काम तो मैं दे नहीं रही, मुझे होता आप लर्न ज्यादा कर लो. आज का होमवर्क क्या है आपका? यू हैव टू मेक एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम होल द टॉपिक. ठीक है जी, आपकी मर्जी है, कोई से भी 5 आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स खुद से निकालेंगे टॉपिक में से, जितने भी टॉपिक हमने किए.
कौन कौन से टॉपिक्स किए हैं आप, जरा रिव्यू कर लें. आयान बेटा प्लीज टेल द टॉपिक्स. नहीं नहीं पीछे से स्टार्ट करें, पीछे से. यस कार्बोहाइड्रेट, lipids, carbohydrates, protein. lipids, proteins, and minerals. और हमने टेबल एक किया इम्पोर्टेंट मिनरल्स इन ह्यूमन डाइट एंड देयर रोल्स. एक्चुअली ये जो टेबल्स है ना, इसमें से समटाइम्स एमसीक्यूज बन जाता है, तो उसमें आपको ये टेबल फिर मतलब रिवाइज करना जरूरी है. एमसीक्यूज समटाइम्स इसमें से आ जाते हैं. अब आपका ऐसे कि एनी फाइव शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने होंगे, और अब आपकी मर्जी आप उसमें से कौन कौन से. वैसे तो इम्पोर्टेंट सारा है. ये जो चैप्टर है ना बेटा, बजाहिर लग यही रहा है कि थ्रेटिकल है, लर्निंग बेस्ड है, टोटल थ्रेटिकल है, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस निकलते हैं अंदर अंदर से बहुत सारे, ठीक है, जो कि बोर्ड में आए हुए हैं. बल्कि मैं ही आपको गाइड कर देती हूँ अगर टाइम बच गया तो. एक तो आपने क्वेश्चन बनाना है ये लिपिड्स में से सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ये वाला बना लीजिएगा. ओके, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये बना लीजिएगा. सोर्सेज मीन्स आप किस किस फूड से लेते हो. जी, और प्रोटीन्स में से आप बना सकते हो. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन बॉडी. मिनरल्स का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. आप मिनरल्स का फिर से रिपीट कर सकती हैं. मिनरल्स पैराग्राफ को मैंने बताया. व्हाट इज द डिफरेंस इन मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स. एग्जांपल्स के साथ आपने एग्जांपल्स दे दीजिएगा, और साथ इसकी लास्ट पैराग्राफ में टू थ्री लाइंस है. डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस इन मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स. थैंक यू. ठीक है जी. ओके जी, आई थिंक टाइम इज ओवर. Allah Hafiz, students. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz. Allah Hafiz.